हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। विवेक ने क्या किया था खास? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पे क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। कल दोस्तों वीडियो में वापस आते हैं। दोस्तों, क्रिश एक ऐसी कहानी है जिसमें एक लड़का एक्सीडेंटली एक एलियन से मिलता है और उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। सुनने में बहुत ही वियर्ड लगता है ना, लेकिन ऋतिक के डैड यानी कि राकेश रोशन इस पर एक मूवी बना डाली और उस मूवी ने ना बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया था। लोगों ने इस कहानी को बहुत पसंद किया था और उसके बाद सारे सीक्वल्स ने अपने आप में बहुत सारे रिकॉर्ड सेट किए, यहाँ तक कि ऋतिक को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। लेकिन इस मूवी के बारे में एक फन फैक्ट बताऊं तो ये मूवी सबसे पहले किसी और नाम से आई थी और फिर बाद में इसके नाम को चेंज करना पड़ा। जी हाँ, पहले इस मूवी का नाम कोई मिल गया था और बाद में जब मूवी का पहला सीक्वल आया उसका नाम बदल दिया गया। क्या आप जानते हैं कि मूवी का नाम चेंज करने के पीछे क्या रीजंस थे? जी, ऐसा इसीलिए किया गया था क्योंकि कोई मिल गया में ऋतिक एक हैंडीकैप बच्चे के किरदार को निभा रहे होते हैं, लेकिन कृष्ण यानी कि कोई मिल गया के पहले सीक्वल में ऋतिक ही अपने बेटे यानी कृष्णा मेहरा के कैरेक्टर में रहते हैं और बस इसी बात को हाईलाइट करने के लिए फिल्म के नाम को चेंज करके क्रिश रख दिया गया था। क्रिश ने अपने सीक्वल रिलीज के साथ ही एक नया रिकॉर्ड सेट किया था। क्रिश के फोर्थ पार्ट के लिए फैंस काफी एक्साइटेड है। अब तक मूवी में क्रिश ने कैसे दुनिया को विलेन डॉक्टर से बचाया था ये दिखाया गया था और ऐसी कहानी घूमती है और हमें फिल्म में खूब सारा एक्शन और ड्रामा देखने को मिलता है। अब मूवी के अगले पार्ट में किस तरीके से विलन को प्लॉट किया जाएगा ये भी देखना ना काफी एक्साइटिंग होने वाला है। क्रिश के साथ ना उनका मास्क भी उतना ही फेमस है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आया था क्रिश का वो मास्क। आपने अगर नोटिस किया होगा तो आज भी कई सारे स्पेशल ओकेशन पे बच्चे उस मास्क से खेलते हुए मिलते हैं। बॉलीवुड ने अपने फैंस को सबसे पहले एलियंस और यूएफओ के बारे में एक ऐसी मूवी में दिखाकर उनका इंटरेस्ट काफी बढ़ा दिया था। इसका नतीजा ये है ना कि आज ये मूवी एक फ्रेंचाइजी बन चुकी है और बहुत जल्द उसका फिफ्थ पार्ट एज अ सीक्वल रिलीज होने वाला है। जी हाँ, 2003 में 8 अगस्त को रिलीज हुई इस मूवी का नाम रखा गया था कोई मिल गया और इसके 3 साल बाद इसका सीक्वल आया क्रिश के नाम से, और यही वो मूवी है जिसने ऋतिक रोशन को बच्चे बच्चे के मन में सुपर हीरो बनाकर फंसा दिया था। क्रिश 4 को एक्साइटिंग बनाने वाली ये भी बात है कि इस बार विलन के रूप में कौन नजर आएगा। अभी तक ये रोल विवेक ओबेरॉय ने निभाया था और ये उनकी पहली मूवी थी जिसमें उन्होंने ग्रेट शेड को निभाया था और फैंस काफी इंप्रेस हुए थे उनकी एक्टिंग स्किल से। वहीं अगर हम क्रिश 4 में एक्ट्रेस यानी कि फीमेल लीड की बात करें तो अभी तक इसे लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन पिछले 1-2 इंटरव्यूज में जब भी ऋतिक से किसी टैलेंटेड एक्ट्रेस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हर बार कृति सैनन का ही नाम लिया है। अब देखना ये है कि क्या सच में हमें कृति और ऋतिक एक साथ देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट से बताएं कि ऋतिक का कौन सा एक्शन सीक्वेंस आपको बहुत पसंद आया।